आज हम करेंगे सबरिंग। सबरिंग करने से पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या? तो सबरिंग की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? सबसेट ऑफ ए रिंग विच इज इटसेल्फ ए रिंग, सिंपल। विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या होंगे? जो रिंग के ऑपरेशन होंगे, है ना। ए सबसेट ऑफ ए रिंग विच इज इट सेल्फ ए रिंग विद ऑपरेशन ऑफ आर, विद ऑपरेशन ऑफ द रिंग। एक जस्ट एग्जाम्पल, 2z, फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा रिंग का, इंटीजर रिंग। 2z इज सब रिंग ऑफ z, ठीक है, क्योंकि 2z देखो z का सबसेट है, और 2z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म ए रिंग इट सेल्फ, ठीक। एंड इट्स डिनोटेशन, जो मैं डिनोट करूंगा यहाँ पे, 2z इज सब रिंग ऑफ z, देन इट कैन बी डिनोटेड 2z इज सब रिंग ऑफ z। जो सब ग्रुप में हम यूज कर रहे थे वही ये जो सिंबल है हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे, दिस इज द 2z इज सब रिंग ऑफ z, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। हो सकता है बुक में या कहीं पे ये ऐसे डिनोटेशन नहीं दिया हो, लेकिन जब भी मैं अब 2z इज इस तरीके से सिंबल डालूं ये लेस देन का, तो हम ये सोच लेंगे कि ये मैं सब रिंग के लिए कह रहा हूँ। आर अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये रिंग है, एस ये सब रिंग है, ठीक है। इसी का अगर ये रिंग है तो आर अंडर एडिशन दिस इज अबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सिमिलरली एस इसका सब रिंग है, तो ये क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप, एस अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, एस अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फिर सेट वाइज प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखो, आर अंडर एडिशन अबेलियन है और एस अंडर एडिशन भी अबेलियन है, तो दिस इज द सबसेट ऑफ आर, आर एस इज द सबसेट ऑफ आर, सो एस अंडर एडिशन इज द सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। हाँ, वो तो सिंपल दिख रहा है, ठीक। सो सब रिंग है, नाउ सब ग्रुप हमने किया था, और सब ग्रुप के बाद हमने सब ग्रुप टेस्ट हमने एक किया था, वहां पे 3 टेस्ट थे, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड फाइनाइट वाला, ठीक है। 1 स्टेप 2 स्टेप एंड फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, बट यहाँ पे सब रिंग के केस में हमें केवल एक ही टेस्ट है और थ्रू आउट वही काम कर जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है थियरम सब रिंग टेस्ट। सो सब रिंग टेस्ट में हम बताएंगे कि कोई भी सबसेट जो है रिंग का जो सबसेट है नॉन एम्प्टी सबसेट, वो कब सब रिंग होगा, ठीक है। तो सिंपल में मैथमेटिकल टर्म में लिख रहा हूं, लेट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर वेयर आर इज रिंग, देन एस इज सब रिंग ऑफ आर, सब रिंग ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन है यहां पे होल्ड कराना है जो, ठीक है। एस को एक्चुअली हमें सब रिंग दिखाना है, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, इट इम्प्लाई ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, एंड सेकेंड वन इज फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, इट इम्प्लाई ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। तो ये दो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। अगर आपको याद हो ग्रुप के केस में, ये एच जो है जी का सब ग्रुप कब होता है? वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, इट इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बाय 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, इट इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ऑफकोर्स हियर एच इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, ठीक है। ये ग्रुप के उस केस में आपने देखा था। अब यहां पे देखो, फर्स्ट जो केस है हमारा, दिस इज नथिंग बट इट इज सेइंग अबाउट दी एस इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। देखो
फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इज इक्वल टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच नथिंग बट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ये ए माइनस बी इज नथिंग बट ए बी इनवर्स, ठीक है, ए बी इनवर्स है ये. तो ये तो हमारा क्या है, सब ग्रुप टेस्ट है. तो यहां से हमें पता चल जाएगा एस मेरा सब ग्रुप है, ठीक है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेट वाइज प्रॉपर्टी होती है, तो एस एबेलियन हो गया. दूसरा जो है क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन. एस क्लोज हो गया, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन सेट वाइज प्रॉपर्टी, ठीक है. देन नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव इज अगेन सेट वाइज प्रॉपर्टी, हेंस एस इज रिंग इटसेल्फ, देयरफॉर एस इज सब रिंग, ठीक है. प्रूफ फर्स्ट पार्ट है इफ एंड ओनली इफ केस है, अगर एस सब रिंग है, ठीक है. सपोज एस इज सब रिंग ऑफ आर, इट इम्प्लाई एस इज रिंग इटसेल्फ, एस अपने आप में रिंग होगा विद द ऑपरेशन ऑफ आर. रिंग एस रिंग है, सो देन नंबर वन प्रॉपर्टी इजिली होल्ड हो जाएगी, ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है. अगर ए बी बिलोंग्स टू एस है तो दियर एग्जिस्ट माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस बिकॉज एस इज रिंग इटसेल्फ. सो इट इम्प्लाई ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है. अंडर एडिशन क्लोज हो जाएगा एस, तो ए प्लस माइनस बी को आप ए माइनस बी लिख लेंगे विच इज बिलोंग्स टू एस. सो सेकेंड वन बाई डायरेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस बिकॉज एस इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन. नाउ कन्वर्सली, कन्वर्सली हमें क्या करना है, टू प्रॉपर्टी गिवन होगी, हमें शो करना है एस इज ए सब रिंग ऑफ आर, इट मीन्स हमें शो करना है एस इज ए रिंग इटसेल्फ, यानी एस को हमें सारे रिंग की प्रॉपर्टी होल्ड करानी है. सो कन्वर्सली, सो गिवेन है फर्स्ट, तो एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट गिवेन है, ये सबसे पहले गिवेन है. एंड ऑफकोर्स यहाँ पे दो दोनों प्रॉपर्टी भी गिवेन है, फ्रॉम वन एस इज सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन. अब मैंने ग्रुप सब ग्रुप ऑफ आर का है बिकॉज आर इज ए रिंग ऑलरेडी, सो आर अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है. तो अगर आर अंडर एडिशन ऑफकोर्स अबेलियन ग्रुप है, तो पहले वो ग्रुप है देन अबेलियन है, अबेलियन प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है. सो आर अंडर एडिशन इज, ये सिंस आर अंडर एडिशन इज ग्रुप, ठीक है, ग्रुप है, आर अंडर एडिशन ग्रुप है, तो एस इज सब ग्रुप बाई दिस वन, दिस इज नथिंग बट द वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. एस इज सब ग्रुप ऑफ आर, सो इट इम्प्लाई ग्रुप इटसेल्फ. अगर एस जो है आर का सब ग्रुप है, इट मीन्स एस अपने आप में ग्रुप भी है. एंड ऑफकोर्स आर इज कम्यूटेटिव, ओके, आर इज कम्यूटेटिव, हेंस कम्यूटेटिव इज सेट वाइज प्रॉपर्टी, सो एस इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, एंड एस इज कम्यूटेटिव. एस अंडर एडिशन ग्रुप भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, सो एस अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप. एक आर वन प्रॉपर्टी होल्ड, क्लियर. नाउ सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड दिस सेज अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. सो एस डॉट इज ग्रुपोइड, या ऐसे लिख लेते, चलो ग्रुपोइड नाम मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूं. एस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. एंड ऑफकोर्स हियर एस इज एसोसिएटिव, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन बिकॉज एसोसिएटिविटी अगेन अ सेट वाइज प्रॉपर्टी, सो इट इम्प्लाई एस अंडर मल्टीप्लीकेशन इज सेमी ग्रुप. आप लिख सकते हो यहाँ पे बिकॉज एसोसिएटिविटी इज द सेट वाइज प्रॉपर्टी. सिमिलरली यहाँ पे कम्यूटेटिविटी इज द सेट वाइज प्रॉपर्टी,
दैट्स वाई द एस इज कम्यूटेटिव. सो नेक्स्ट थर्ड वन इज, देखो ये आर वन ओल्ड हो गया, आर टू ओल्ड हो गया, थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, सिंस अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव इज सेट वाइज प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड, देयर फोर एस अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज रिंग इट सेल्फ, दस एस इज सब रिंग ऑफ आर. अगर वो सबसेट आर है और खुद में रिंग है और ऑपरेशन जो है आर ही के है, जो अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन है वो आर के है, विथ ऑपरेशन ऑफ आर, ये भी लिख लेता हूं. तो देयर फोर बाय द डेफिनेशन ऑफ द सब रिंग, एस इज सब रिंग ऑफ आर, दिस इज प्रूव्ड. सो फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको पता ही होगा कैसा दिखता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग. इसका मैं अगर सब रिंग लिखूं तो मैं लिखूंगा आर, और भी हो सकते हैं ठीक है, लेकिन आर इज द सब रिंग ऑफ सी, बिकॉज आर इज सेट ऑफ रियल नंबर है ये, आर इज द रिंग इट सेल्फ अंडर द सेम ऑपरेशन. क्यू क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर विच इज द सब रिंग ऑफ आर, अफकोर्स क्यू इज द सब रिंग ऑफ सी ऑल्सो, बिकॉज क्यू इज द सबसेट ऑफ आर, क्यू इज द सबसेट ऑफ सी, क्यू इज द रिंग इट सेल्फ, सो ऑपरेशन ओनली ये ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, नाउ जेड ले लो आप, ठीक है, जेड इज द सब रिंग ऑफ क्यू, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, और आप ये लिख सकते हो एन जेड. ठीक है, एन बिलोंग एन वेयर एन इक्वल्स टू, अब एन जो होगा 0 1 2 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एन जो है एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये ऑलवेज इसका सब रिंग होगा, हो सकता है वो सब रिंग इसके इक्वली हो, तब भी मैंने इससे डिनोट किया है. ठीक है, लेस देन से डिनोट किया है. इफ एन इज इक्वल टू 0 देन दिस विल बी 0 इज द सब रिंग ऑफ जेड. ठीक, इफ एन इक्वल टू 0 देन दिस इज द सब रिंग ऑफ जेड. सो सम नोट्स, 0 एंड आर, 0 एंड आर आर ऑलवेज सब रिंग ऑफ आर, ये दो तो हमेशा सब रिंग होंगे आर के. एंड हियर 0 इज कॉल्ड ए ट्रिवियल सब रिंग, 0 इज कॉल्ड हियर ट्रिवियल सब रिंग. ऑफकोर्स अगर ओनली 0 गिवेन है और वो अपने आप में रिंग है, सो 0 इज द ट्रिवियल रिंग. ठीक है, तो ट्रिवियल जो वर्ड आया है अब आया है आपका, तो ट्रिवियल रिंग की बात अगर करोगे, 0 अगर इसका सब रिंग है, ट्रिवियल सब रिंग है, इट मीन्स ये अपने आप में भी क्या है, एक रिंग है. सो इसको आप अगर अपने आप में वो ट्रिवियल रिंग है, सो इट इज कॉल्ड द ट्रिवियल रिंग. और आर क्या है, इम्प्रॉपर सब रिंग इट सेल्फ, जो ग्रुप में आप कर रहे थे, इम्प्रॉपर सब रिंग एक्सेप्ट द आर, अगर और भी कोई सब रिंग है इसके, दे आर कॉल्ड द प्रॉपर सब रिंग ऑफ आर. कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द सब रिंग. एग्जाम्पल्स फर्स्ट एक मैं ले रहा हूं सेट एस 0 2 एंड 4, दिस इज द सब रिंग ऑफ जेड 6. ठीक है, ये एस जो है अपने आप में रिंग होता है, वी ऑलरेडी प्रूव्ड इन द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिंग, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. इसमें यूनिटी भी है, ठीक है, यूनिटी 4 आ रही थी, आपने अगर इसको देखा हो, अगर याद हो थोड़ा सा,
तो ये अपने आप में रिंग बनाता है अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। सो अपने आप में रिंग है और ये इसका सबसेट जेड सिक्स का, तो एस इज ए सब रिंग ऑफ जेड सिक्स। नाउ सेकेंड, तो देखो अब ये तो फाइनाइट रिंग है, फाइनाइट एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, तो अगर इसको आपको सब रिंग प्रूफ करना है, ये टेस्ट आप कैसे लगाओगे फॉर ऑल ए? तो सबके लिए आपको टेस्ट लगाना है। इससे अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट इसको एस को रिंग शो कर दो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। तो इजिली आप बोल सकते हो सिंस दिस इज द सबसेट ऑफ जेड सिक्स एंड इट इज रिंग इटसेल्फ, देयरफॉर एस इज द सब रिंग ऑफ जेड सिक्स। नाउ एन जेड, एन जेड इज ऑलवेज सब रिंग ऑफ जेड, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर। एन जेड अगर आप लिखोगे सो एन जेड का जो स्ट्रक्चर होगा एन के, ओके एन के बिलोंग्स टू जेड, ठीक है यही होगा। जो भी इंटीजर्स होंगे एन के मल्टीपल में होंगे, 0n 2n एंड सो ऑन, n-n -2n एंड सो ऑन टाइप के। जब भी आपको इसको सब रिंग शो करना है, फर्स्ट यू हैव टू शो हियर दिस एन जेड इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। इसको जब भी शो करो आप नॉन एम्प्टी पहले शो करना है। सो फॉर नॉन एम्प्टी यू हैव टू थिंक अबाउट द आइडेंटिटी, और यहां पे जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज द जीरो ऑफ द रिंग, ठीक है। ग्रुप में जब भी आप सब ग्रुप शो करते थे ग्रुप में, तो आप क्या करते थे कि एच अगर कोई सबसेट है जी का, ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू शो हियर एच इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो वी आर ऑलवेज थिंक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ जी। तो आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी इज ग्रुप। अब यहाँ पे जो जेड है, जो रिंग है, जो जेड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है, बट वी नो दिस जेड इज अंडर एडिशन इज ग्रुप, तो थिंक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ओनली। तो अगर आपको इसमें जीरो एलिमेंट होल्ड कराना है या इसको नॉन एम्प्टी शो करना है, सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द जीरो ऑफ द रिंग, ठीक है। सिंस जीरो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, देन द एन इंटू जीरो, एन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज बिलोंग्स टू एन जेड, सो एन जेड इज नॉन एम्प्टी। सो टेक एनी एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन जेड, एन जेड में एक्स वाई आप ले रहे हो, सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ एन के, और वाई बिलोंग्स टू एन के डैश सपोज। तो आप क्या करना है यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई को आपको दिखाना है वो किस में आएगा, एन जेड में आएगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यही दिखाना है। सेकेंड एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू एन जेड, क्लियर है। अभी आगे और भी जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे, उसका भी यूज करेंगे हम, डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे। सो फिलहाल अगर आपको ये प्रूफ करना आ गया, ये देखो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं इसको करा रहा हूं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन के एंड माइनस एन के डैश। अब देखो एन किसका है, ये एक्चुअली एन के का मतलब क्या है कि के को हमने एन टाइम ऐड किया हुआ है, क्लियर। एंड सिमिलरली के डैश को एन टाइम ऐड किया हुआ है, माइनस अगर मैं कॉमन में रखना चाहूँ तो। अभी इसकी थोड़े से प्रॉपर्टी आएंगी। अगर जैसे हमने माइनस एन कोई भी रिंग का एलिमेंट है और ये इंटीजर है, ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज एन माइनस एक्स, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अभी प्रॉपर्टी एक्चुअली आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, तो वहां पे हम करेंगे, ये आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में या अगर
अगर आपको ऐसे नहीं करना तो हम जैसे मैन्युअली करते हैं, ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज का भी यूज नहीं करते, तो इसको मैं क्या करूं, ये तो मैं कर ही सकता हूं, ठीक है, n माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि ये ए जो है और बी दोनों रिंग के है, ठीक है, इसमें दोनों रिंग के। अब इसमें क्या होता है कि ये जो माइनस एन है, ठीक है, वो तो इंटीजर है और ये जो है एक्स जो है वो रिंग का एलिमेंट है। तो उस केस में ये हम डिफरेंट तरीके से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये तो खैर हमने ये कर दिया है, ये तो दोनों रिंग के एलिमेंट थे इसलिए किया है। अफकोर्स यहाँ पे एन और के दोनों रिंग के एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये है ना, ये यूज कर सकते हैं हम, बिकॉज एन बिलोंग्स टू जेड एंड के अफकोर्स बिलोंग्स टू जेड, सो वी कैन डायरेक्ट यूज, चलो उसी का यूज कर लेते हैं फिर, है ना, ऐसे नहीं करते। एन के माइनस के डैश, ठीक है, बिकॉज एन के एंड के डैश ऑल आर बिलोंग्स टू जेड, ये जेड में तो है ही, है ना। तो अब देखो ये जो के माइनस के डैश एन इंटू, सपोज के माइनस के डैश को आप एस लिख लो, ठीक है, तो ये जो ये इंटीजर ही होगा, के माइनस के डैश भी इंटीजर ही होगा, बट दिस इज द मल्टीपल ऑफ एन, तो आप इसको कह दोगे ये दिस इज एन जेड, वेयर ऑफकोर्स एस इज इक्वल टू के माइनस के डैश, ठीक। सो एन जेड इसमें आ गया, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज होल्ड फॉर द सब रिंग, सब रिंग की पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। एक्स एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन जेड लिया था, तो यहां से एक्स माइनस वाई जो है एन एस आ रहा है, जो कि ये एन जेड में बिलोंग कर रहा है, सो इट इंप्लाई एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एन जेड। सो फर्स्ट वन इज होल्ड, सेकेंड वन कोई एक्स वाई ले लेते, फॉर आर्बिट्ररी कर लेंगे तो फॉर ऑल हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन जेड, सो इट इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू एन के एंड वाई इज इक्वल टू एन के डैश। सो व्हाट इज एक्स वाई, एन के इंटू एन के डैश, तो ये तो अबेलियन है, ठीक है, अबेलियन है, तो ये क्योंकि ये दे ऑल आर इंटीजर, ये इंटीजर है तो ये कम्यूट करेंगे, तो मैं इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ एन, ठीक है, एन के डैश सिंस अबेलियन, सो एन के डैश, सो एन इज इक्वल टू, चलो वहां एस लिया था, यहाँ एड्रेस ले लेता हूँ, सो दिस मस्ट बिलोंग्स टू एन जेड, वेयर जो हमने एस डैश लिया है दिस इज नथिंग बट एन के डैश। हमें तो एक एन के मल्टीपल में चाहिए, कोई बात नहीं, एन स्क्वायर भी आ रहा है तो उसको मैं एन इंटू इसके फॉर्म में लिख लूंगा, सो बाई बाई सब रिंग टेस्ट एन जेड इज सब रिंग ऑफ जेड। थर्ड वन एग्जाम्पल है, अगेन जेड आई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, जेड आई, जेड आई ए प्लस आयोटा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स द इंटीजर, ठीक है, हियर वी हैव टू शो दिस जेड आई इज द सब रिंग ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड दिस जेड आई इज कॉल्ड, दिस जेड आई इज कॉल्ड गॉसियन रिंग। ये अपने आप में भी रिंग है, अगर सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देख लो वो तो रिंग है ही अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, अगर ये इसको हटा दो एक बार के लिए, इसको मैं छोड़ दूं, इसको सब रिंग नहीं दिखाना मुझे, इसको ओनली रिंग शो करना है, तो यू कैन शो दिस जेड आई इज रिंग इटसेल्फ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, सो इन दिस केस दिस जेड आई इज कॉल्ड ए गॉसियन रिंग। ऑफकोर्स अगर ये इसका सब रिंग करके भी शो कर रहे हो, इट मीन्स हम ये इस अपने आप को ये क्या होगा, अपने आप में ये रिंग होगा, सो इस केस में भी दिस इज कॉल्ड अ गॉसियन रिंग, गॉसियन रिंग कहेंगे इसको, जेड आई का स्ट्रक्चर आप देख लो। सो इसको आपको क्या दिखाना है, इसका सब रिंग दिखाना है, तो आप खुद कर लेंगे, नॉन एम्प्टी दिखाना है इसको, सो व्हाट इज द जीरो ऑफ द रिंग इन सी, जीरो इज द जीरो ऑफ द सी, जीरो ऑफ द सी, सो जीरो कैन बी रिटन है जीरो प्लस आयोटा जीरो, एंड वेयर जीरो, सिंस जीरो एंड जीरो बिलोंग्स टू जेड, सो जीरो प्लस आयोटा
जीरो इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू जेड आई, हेंस जेड आई इज नॉन एम्प्टी. सो टेक एनी टू एलिमेंट जेड वन एंड जेड टू बिलोंग्स टू जेड आई. देखो जैसे एलिमेंट होंगे वैसे ही आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे. जब आप कभी कभी क्या होता है मैं देखता हूँ जब आप लोग करते हो, यहाँ पे दिया तो होगा मैट्रिक्स का वो, ठीक है, एम टू जेड या एम टू आर कुछ दिया होगा, एलिमेंट आप ऐसे ले रहे हो, ठीक है. जब भी मैट्रिक्स के एलिमेंट लेना है आपको कैपिटल लेटर में लेने हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट. जब कॉम्प्लेक्स के आएंगे तो आप जेड वन जेड टू टाइप के लो, ठीक है, ए बी टाइप के मत लो क्योंकि वो इस तरीके से यूज हो रहे हैं. और इन जब आप जेड इंटीजर्स टाइप के एलिमेंट लेते हो तो आप लो ए बी टाइप के या एन एम टाइप के, ठीक है. वो लेने के भी आप तरीके है कि आप कैसे एलिमेंट आप कंसिडर करते हो. सो जेड वन कॉमा जेड टू आपने जेड आई से लिया तो आप दिखा दो जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू बिलोंग्स टू दिस एंड जेड वन इंटू जेड टू बिलोंग्स टू दिस. अब ये मैं नहीं करूंगा, ये आप कर लेना, ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट है हमारा एस ए गिवेन है ए जीरो जीरो बी, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू एंड एलिमेंट आर टेकन फ्रॉम द जेड. दिस एस इज द सब रिंग ऑफ एम टू जेड. फर्स्ट आप क्या करना है, सो फर्स्ट टास्क यही है आपका, ये नॉन एम्प्टी. नॉन एम्प्टी के लिए कौन सा एलिमेंट आप सोचोगे यहाँ पे, जीरो ऑफ द रिंग आइडेंटिटी अंडर एडिशन. तो जीरो 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 जीरो, सो सिंस द डायगोनल एलिमेंट जीरो कॉमा जीरो इज बिलोंग्स टू जेड, सो दिस जीरो 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 बिलोंग्स टू दिस एस, हेंस दिस इज नॉन एम्प्टी. तो अब यहाँ पे आपको लेना है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, सो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस. ए माइनस बी डायगोनल में कंपोनेंट वाइज क्या होगा, ये ए माइनस बी होगा, ठीक है. तो आपको दिखेगा कि a माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश टाइप के आएगा, सिंस द डायगोनल एंट्रीज आर अगेन इंटीजर, सो a माइनस बी इज इन s. देयरफोर फर्स्ट इज होल्ड. सेकेंड में मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स में जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे डायगोनल टू डायगोनल हो जाएंगे. अगर आप a b ले रहे हो यहाँ पे और दूसरा a डैश b डैश ले रहे हो तो डायगोनल में a डैश a डैश एंड b b डैश आएगा. सो डायगोनल में अगेन इंटीजर के, सो दे बिलोंग्स टू s, देयरफॉर सेकंड वन इज होल्ड. सो बाय सब रिंग टेस्ट इट इज सब रिंग. क्लियर है, हो जाएगा. ये भी r है, रिंग है ये, और ये इसका सब रिंग है. अगर r कम्यूटेटिव है, अगर r कम्यूटेटिव है तो s नो डाउट कम्यूटेटिव होगा बिकॉज कम्यूटेटिविटी इज द सेट वाइज प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ अगर ये रिंग विद यूनिटी हुआ, ठीक है, अगर r जो है मेरा आर यू हुआ, तो क्वेश्चन ये क्या s भी आर यू होगा. इफ नो तो मेरे पास एग्जाम्पल होना चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल. वो क्या है, यूनिटी है बट ये यूनिटी नहीं है. तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है कि ये रिंग यूनिटी हो. क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ये आर तो आर यू है और एस भी आर यू है, दोनों आर यू है, क्या ऐसा पॉसिबल है, रिंग और सब रिंग, ठीक है. अब यहां पे एग्जांपल्स, एग्जांपल्स और यहां पे यूनिटी. अब यूनिटी अगर इक्वल हो, ठीक है, यूनिटी अगर इक्वल हो तो मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी कि वो सब रिंग और रिंग दोनों में एग्जिस्ट करे. मैं टिक कर रहा हूं, टिक का मतलब यूनिटी इक्वल हो और सब रिंग में और रिंग दोनों में इक्वल करे. तो उसका एग्जांपल मुझे बताना है यहाँ पे. ऑफकोर्स यहाँ पे एक सब रिंग एंड रिंग, ठीक है, इक्वल हो. अब दोनों सब रिंग और रिंग में दोनों में यूनिटी हो लेकिन नॉट इक्वल हो,
इक्वल ना हो, ठीक है, यूनिटी इक्वल ना हो लेकिन दोनों में हो। ऐसे एग्जाम्पल मुझे चाहिए, एक सब रिंग को एस से डिनोट कर लेता हूँ, रिंग को आर से, ठीक है। तो ऐसा ऐसी यूनिटी जो एस में तो ना हो लेकिन आर में हो, ठीक है, एस में तो ना हो लेकिन आर में हो, इट मीन्स एस में हो लेकिन आर में ना हो। एक ऐसा एग्जाम्पल, एस में हो लेकिन आर में ना हो, यहां पे उल्टा हो गया, यहां पे ना हो लेकिन यूनिटी इसमें हो, ठीक है, यूनिटी इसमें हो। अब इसमें हो यूनिटी, इसमें ना हो, एज अ एग्जाम्पल ऑन फाइनल इज दोनों में ना हो, ये वन दोनों में ना हो, दोनों रिंग और सब रिंग में दोनों में यूनिटी ना हो, ऐसे एग्जाम्पल। जेड और क्यू भी ले सकते हो आप, जेड और आर ले सकते हो, सी और ये लिख सकते हो। नॉट इक्वल के केस में मुझे चाहिए ऐसा हो इसमें ना हो, ये आप अभी देखा पॉपुलर एग्जाम्पल, ठीक है, एस में नहीं है लेकिन आर में है। ये नॉट इक्वल भी कर लिया ना हमने, नॉट इक्वल कर दिया जेड सिक्स वाला, 0, 2 एंड 4 ये भी हो चुका है। अब एक ये बताना है आपको, लास्ट वाला तो बहुत इजी है, आप 4z कैन बी 2z ले लो, ठीक है, 2z का सब रिंग 4z, इसमें एक बचा बस ये, ठीक है, ये मैं ये ले रहा हूँ और ये ए बी 0, 0 ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसमें एक्चुअली यूनिटी नहीं दिखेगी, इसमें 1, 0, 0, 0 विल बी द यूनिटी, ठीक है, इसमें आ जाएगी।